नमस्कार, मेरे सब शतरंज प्रेमी भाइयों बहनों का ये रेशन नंबर 3 में मैं जयसिंह गांधी नेशनल चेस आर्बिटर एंड चेस कोच सबका स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। लेशन नंबर 2 के एंड में मैंने मेडिटेशन का जिक्र किया था। मेडिटेशन ध्यान ये हमारी चेस की जो स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज की जाती है वैसी ही हमारे चेस की ये एक्सरसाइज है। तो सभी दर्शकों को मैं फिर से एक विनती करता हूँ, आपको चेस में होशियार बनना है, थोड़ा आगे बढ़ना है तो कम से कम 30 सेकंड आप शुरुआत करिए, 30 सेकंड मेडिटेशन कीजिए। लेशन नंबर 2 में मैंने इसका जिक्र किया था और एक दूसरी बात कहना मैं भूल गया। लेशन नंबर 2 में थोड़ी टेक्निकल वजह से जो आवाज़ की जो क्वालिटी थी वो ठीक से नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों की माफ़ी चाहता हूँ। अभी हम जा रहे हैं लेशन नंबर 3 के लिए। तो आगे के मैंने जो चेस के आपको रूल्स बताए थे उसमें थोड़ा बहुत रूल्स बताना बाकी रखा था, मैंने बोला आगे के एपिसोड में हम देखेंगे, आप आगे के लेशन में हम देखेंगे। तो आज मैं एक दो रूल्स आपको बताना चाहूँगा। हमने गेम खेलने के रूल्स देखे, सभी मोहरे की वैल्यू देखी और उसका मोबिलिटी भी हमने देखी। उसकी वैल्यू एंड मोबिलिटी से हम चेस खेलने में हमारी ताकत का हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमारी जो चेस की गेम है इसमें बारी बारी चलना है और एक दूसरे पर हमला करना है और किंग सामने वाले के किंग को फंसाना है। तो चेस में एक रूल ऐसा किया गया है उसको हम कैसलिंग बोलते हैं, हिंदी में उसको किलेबंदी। जब भी कोई राजा अपने स्टेट पर ओपोजिटर का कोई हमला आता है और डर जाता है या तो अपने बचाव के लिए वो किले में बंद हो जाता है तो उसको हम किलेबंदी कहते हैं। तो यहाँ चेस में ये किलेबंदी का मैं आपको कैसलिंग का रूल बताता हूँ। राजा किंग और रुक ये दो के बीच में जगह आ गई हो, मीन्स बिशप को निकाल लिया है, नाइट को निकाल लिया है और दोनों के बीच में जगह है और किंग और रुक चले नहीं तो वो कैसलिंग करते हैं। राजा ये मरा है, किंग दोस्त के बंदर चला जाता है और रुक दोस्त के बाहर आ जाता है, मीन्स राजा अपने किले में सेफ हो जाता है, इसको हम कैसलिंग बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने छोटी वाली साइड में बताया, लेकिन क्वीन साइड में हम जाएंगे तो क्वीन बिशप एंड नाइट ये तीनों बाहर निकल गए हैं, ये दोनों के बीच में स्पेस है और किंग कैसलिंग करना चाहता है तो दो स्टेप अंदर जाएगा और रुक तीन स्टेप आगे आएंगे, इसको लॉन्ग कैसलिंग बोलते हैं, इसको शॉर्ट कैसलिंग बोलते हैं। इसमें एक दूसरा भी रूल है, कभी नहीं कर सकते हैं। तो राजा किंग एंड रुक दोनों की मूव हुई नहीं और चले ही नहीं
तो एंड तो कर सकते हैं। दूसरा इस ओपोजिटर का, सपोज ये यहां है और इसका रूट यहां पड़ा हुआ, बिशप यहां पड़ा हुआ है, तो केसरी करते ही इसको चेक लगती है तो केसरी नहीं कर पाते। दूसरा जब ये चेक आती है यहां है और यहां से चेक देते हैं और व्हाइट वाला चाहे तो केसरी नहीं कर सकता है, जब भी चेक देते हैं तभी भी नहीं कर सकते, चेक पास भी नहीं कर सकते। सपोज सोल्ट केसरी है और ओपोजिटर का बिशप ये व्हाइट में पड़ा हुआ है तो केसरी करते उसको चेक नहीं आती, लेकिन चेक पास भी नहीं कर सकते। तो ये एक हुआ हमारा केसरिंग का रूल। एक दूसरा रूल है वो पोन के बारे में है, उसको एन पास का रूल बोलते हैं। ये रूल में क्या होता है, ओपोजिटर फिफ्थ में चला है, सॉरी ये व्हाइट वाला सिक्स रो में चला गया है, सिक्स रो तक पहुंच गया और ब्लैक वाला एक साथ दो स्टेप चलता है, मींस फिफ्थ हाउस में आता है, तो ये व्हाइट वाला एन पास कर सकता है। एन पास में ऐसा होता है कि अगर ये दो नहीं लेकिन एक चला है ऐसा सोच के इसको ऐसा मार सकता है, मींस यहां से ये उसको उठा लेते हैं और ये वहां जाता है। और ये रूल व्हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाइट वाला एन पास करना चाहे तो कर सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकता। ये एन पास का रूल वैसे तो नॉर्मली हर कोई यूज नहीं करता, जब भी ये छोटे लेवल में जो खिलाड़ी खेलते हैं अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसका उपयोग कम से कम करते हैं, लेकिन आगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट से आगे जाएंगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में इसका भरपूर उपयोग होता है। यहाँ ये रेशन में हमें ये नियम में केसरी और एन पास के दो रूल देखें, तो यहाँ हम विराम लेते हैं। हमारे सभी इंडियन हिंदुस्तानियों को ये दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेशन नंबर 4 के लिए हम दिवाली बाद नए साल में आएंगे, नए साल में हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार।